नमस्कार दोस्तों, सातवीं कक्षा की हिंदी विषय में द्वितीय सत्र में दूसरी इकाई हम भी बने महान हमने पढ़ ली, समझ ली, उसका वीडियो भी देखा। आज हम बात करेंगे इस इकाई के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता की। भाषा सज्जता में इस इकाई में हमें विशेषण समझने हैं। तो चलिए, इकाई दो, हम भी बने महान। इस इकाई का अभ्यास हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप खुद ही सोचकर सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। जिसको भी बोलना है वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में भेज सकता है। अगर आपको बोलना नहीं है तो आपकी कॉपी में इसका उत्तर लिख देना है। यहाँ पे चर्चा करनी है, जो चर्चा कर सकते हैं वो करें, अन्यथा अपनी नोटबुक में ये इनका दोनों का जवाब भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही सरल है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। पढ़ना है और ऐसे ही लिख देना है। लिखते समय ध्यान रखने हैं विराम चिन्ह, जितने भी विराम चिन्ह यहाँ पे है वो सब ध्यान से लिखने हैं और समझने हैं, क्योंकि उसके बाद का पांचवा प्रश्न ही विराम चिन्ह पर आधारित है। पांचवे प्रश्न की हम बात करें तो दो परिच्छेद दिए गए हैं, दोनों परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगा के फिर से लिखने हैं। दोनों परिच्छेद का जवाब हम देखते हैं। यहाँ पे दोनों परिच्छेद के जवाब दिए गए हैं। पहला परिच्छेद ये रहा, उसका उत्तर यहाँ पे है, हम उत्तर पढ़ेंगे और साथ में मैं जहाँ भी विराम चिन्ह आएंगे वहाँ माउस घुमाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा और पढ़ने से भी पता चल जाएगा। बात पुराने ज़माने की है, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। जहां भी विराम चिन्ह आते हैं वहां हमने ध्यान से देखा होगा। दूसरा परिच्छेद है, उसका भी उत्तर मैं पढ़ता हूँ। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, और जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दोनों प्रश्नों में हमें जो प्रसंग इकाई में आए उनके आधार पर जवाब लिखने हैं। सभी प्रश्नों के जवाब मैं यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, थोड़े बहुत प्रश्न के जवाब हम देखते हैं। प्रश्न है, लड़के ने रोने का
क्या कारण बताया। तो हम जानते हैं, लड़के ने रोने के कारण बताते हुए नरेंद्र से कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं पर गिर गई है, अब नहीं मिल रही तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। दूसरे प्रश्न का ये प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। उत्तर है, नरेंद्र ने कहा कि बालक को बचाना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसे बचाते हुए शिवलिंग टूट गया तो क्या हुआ, शिवलिंग से ज्यादा कीमती बच्चे की जान है। और एक प्रश्न है, रानड़े को किसने रोका, क्यों। रानड़े को प्रवेश द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका क्योंकि उसे सूचना थी कि वह सभी अतिथियों का निमंत्रण पत्र देखकर ही प्रवेश दे। स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी निष्ठा और लगन से निभा रहा था। रानड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने थे पर उनके पास निमंत्रण पत्र न होने के कारण स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। सुबह अल्पाहार के लिए जब सब हाजिर हो गए परंतु कप्तान हाजिर नहीं था। जब सब कप्तान को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कप्तान अपने कमरे की गैलरी में एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर गेंद वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति कप्तान की यह लगन या लगाव देखकर सब दंग रह गए। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी या रुपया। उत्तर है, चवन्नी। 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानड़े। उत्तर है, महादेव गोविंद रानड़े। 3, स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तर है, निमंत्रण पत्र। 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष, सभागृह। उत्तर है, मंच। 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, कोच, कप्तान, मैनेजर, डॉक्टर। हम जानते हैं, उत्तर है, कप्तान। प्रश्न 4 है, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से समानार्थी शब्दों की जोड़ हमें बनानी है और दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। 2-3 शब्द की जोड़ बना के हम जवाब देखते हैं, बाकी आपको खुद बनाने हैं। पहली जोड़ है, कामयाबी और सफलता। सफलता माने कामयाबी, कामयाबी माने सफलता। वाक्य जो यहाँ पे दिए गए हैं वही वाक्य बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप अपने तरीके से कोई और वाक्य भी बना सकते हो। पूरी लगन से मेहनत करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। प्रसिद्ध का समानार्थी है विख्यात। कबीर,
हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात है। जांच परीक्षण। हजरत अली खजाने की जांच कर रहे थे। हजरत अली खजाने का परीक्षण कर रहे थे। इस तरह से हमें जोड़ बनानी है और दोनों शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाने हैं। उसके बाद भाषा सज्जता है। भाषा सज्जता में इस इकाई में हमें विशेषण क्या होता है वो जानना है, जो हमने दिसंबर महीने के वीडियो में देख लिया है। दिसंबर महीने में दो वीडियो मैंने भेजे थे जिसमें जितने भी विशेषण है उन सब का पूरी तरह से आपको परिचय दिया गया था। फिर से मैं वो वीडियो ग्रुप में भेजता हूँ। इस इकाई में दो विशेषण आते हैं। प्रथम है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ आदि परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण जो आता है इस इकाई में वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम के तौर पे आता है, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरा काम पूरा हो गया, यहाँ पे मेरा है वो सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से हमने जो दिसंबर वाला वीडियो देखा है वहाँ आप और विशेषण के बारे में जान सकेंगे।